इन्होंने पैसा खा लिया अंदर बढ़ के, इन्होंने गुप्त पैसा दे दिता। पुलिस वाले ने चोर बजारी की, मेरे बच्चे ने धोखा किया, पुछन वास्ते गए, वो कहते कैमरे बंद आ। क्या मसला है जो आप लोग गाड़ी को लेकर सड़कों पर बैठे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, मैं मीडिया के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, जैसे कि 5 तारीख को इस बेटे का एक्सीडेंट हुआ विक्रम चौक पे, और पुलिस वालों का कहना है कि वहां पर बिल्कुल जो सीसी कैमरे हैं वो बंद पड़े हुए थे। मैं मीडिया के माध्यम से यही कहना चाहता हूं, जैसे कि मान के चलो वहां मिलिटेंसी, अगर मेन चौक में मिलिटेंसी हमला कर देती है तो फिर इनके कैमरे का क्या होता है? तो एक तरफ से ये जम्मू कश्मीर को स्मार्ट सिटी बनाना चाहते हैं, लेकिन मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जब तक इस बेटे का इंसाफ नहीं होता तब तक हम नहीं मानते कि ये स्मार्ट सिटी बनेगी। और मैं यही चाहता हूँ, गवर्नर साहब के आगे अपील करता हूँ, डीसी साहब के आगे अपील करता हूँ कि इसके दो छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, विक्रम चौक में, ये मेन विक्रम चौक पर 5 तारीख को एक्सीडेंट हुआ था। तो हमारी यही डिमांड है कि जितने भी हमारे साथ यहाँ पर हमारे भाई बहन हैं, इनकी यही आवाज़ है कि इस बेटे को बेनिफिट मिलना चाहिए, क्योंकि दो इसकी छोटी छोटी बच्ची हैं, लेकिन 5 तारीख को एक्सीडेंट हुआ, अभी तक इनसे वो गाड़ी नहीं पकड़ी गई। तो हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द वो गाड़ी पकड़े और इनका बेनिफिट जो है इनको दिया जाए। सर बाली साहब कौन लगते हैं आपके? ये मेरे बड़े, ये मेरे बड़े भाई हैं। 5 तारीख को ये एक्सीडेंट हुआ था विक्रम चौक के अंदर, हमने बेरोज चौकी में FIR भी की, लेकिन उसके चलते हमें कोई कार्रवाई की कोई उम्मीद नहीं हुई। हमने इनको बोला है कि वहाँ पे आपके PCR के कैमरे लगे हुए हैं, CCTV फुटेज लगे हुए हैं, वहाँ से खंगाल लिए। इन्होंने सिर्फ एक ही आश्वासन दिया, हम खंगाल रहे हैं। वहाँ पे इनका जो गार्ड था ऑन रेबर ड्यूटी, 8 बजे से इनकी ड्यूटी शुरू होती है, लेकिन वो वहाँ पे नहीं था, इन्होंने इसी किसी काम पे भेजा था। पर जो वहाँ पर लोग थे उन्होंने क्या देखा उस टाइम? उन्होंने देखा कि ये गाड़ी बैक साइड से कोई ब्लिनो गाड़ी थी, हिट करके वहाँ से निकल गई, भाग गई। इनके ट्रैफिक वाले भी वहीं पे होते हैं चौक में, जब इन्होंने चलान करना होता है तब इनको सब ठीक लगता है, लेकिन हमारे भाई की जान गई है, कोई मामूली जान नहीं है, इसकी 2 महीने की बच्ची है। क्या मांग करते हैं? मांग तो मैं यही करता हूँ, पहले हमारे DC जम्मू यहाँ रोड पे आए, उतनी देर हम उठेंगे नहीं यहाँ से, हमें इंसाफ चाहिए, यहाँ पर आएंगे तो खुद आएंगे। इसी की जगह अगर कोई MLA, बड़े MP या किसी मिनिस्टर का बेटा होता उसको जल्दी इंसाफ मिलता। हम अगर लो कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं इसका मतलब ये नहीं कि हमें कोई इंसाफ नहीं मिलेगा, हम चाहते हैं इंसाफ, और हम तब तक नहीं उठेंगे जब तक हमारे DC जम्मू यहाँ रोड पे नहीं आएंगे। बस हमारी ये अपील है जम्मू गवर्नमेंट से, और हमारे DC को सस्पेंड करना चाहिए ऐसे बंदों को। बच्चे की हालत देखो।